सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे और गैरों के रोज़ों में ये फ़र्क करने वाली चीज़ है जी। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फ़सलु बैन सियामिना व सियाम अहलिल किताब अकलतुस सहर, कि हमारे और गैरों के रोज़ों में फ़र्क करने वाली कोई चीज़ है तो वो सहरी। इससे अंदाज़ा लगाइए कि सहरी ये हमारे और दूसरे लोगों के रोज़ों में फ़र्क करने वाली चीज़ है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तसहरु फ़इन्न फिस्सुहूरि बरका, सहरी करो, सहरी करने में बरकत है। क्या माना बरकत है? यानी बरकत के माने ये होते हैं कि आप का जो दिन है वह खैर व आफियत में गुजरेगा। इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर सहरी नहीं किया है तो मुमकिन है कि अव्वले दिन से उसे कमज़ोरी लायक हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी जो इबादत और बंदगियों की जो मशक्क़त की हैं वो आदमी करना चाहता था, लेकिन वो थकान की वजह से, भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से मुमकिन है वो अंजाम ना दे पाए। तो ये उसकी बरकत है कि अल्लाह तबारक तआला उसे सहरी के ज़रिए से उसके अंदर क़ुव्वत दे देता है और फिर वो ऐसे आमाल अंजाम देने के लिए ताकत और तवानाई पाता है। तो ये इस तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने सहरी के अंदर बरकत रखी है, और जैसे कि मैंने आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की। जज़ाकअल्लाहु खैरा शेख मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन-ए-किराम, पता चला कि सहरी करने से बरकतें हासिल होती हैं।